मैं शिव और शक्ति इन दोनों का योग जब होता है, हम जब तांडव नृत्य करेंगे, तांडव नृत्य करेंगे तो हमारे हर एक ध्वनि से एक योग उत्पन्न होगा, एक योगी शक्ति उत्पन्न होगी, और वो योगी शक्ति को अगर तू तेरे पास तेरे बस में कर सकता है तो ये बात सब हो सकती है। तो हमने कहा कि ये योगी शक्ति को या तुम्हारे को किस प्रकार मैं शिवजी को तांडव करने के लिए बात नहीं कर सकता हूँ, शिवजी तांडव करे इधर मैं जाके बोले तांडव करे शिवजी ऐसा करेंगे नहीं, किस तरह करना चाहिए। तब उन्होंने शिव रावण ने तपस्या आरम्भ की और कहा कितनी तपस्या करने पर भी रावण की तपस्या को देखकर शिवजी ने उनकी तरफ देखा भी, रावण को बहुत गुस्सा आया, इस जीवन से तो अच्छा है मर जाना ही ठीक है। उन्होंने अपना एक एक सिर काटना आरम्भ कर दिया, 10 सिर वाला रावण था तो उसने एक एक सिर काट कर शिवजी के चरण में अर्पित करते गए, फिर भी शिवजी प्रसन्न नहीं हुए। तो उसको लगा कि अब आखिरी एक बात कह दूं, या तो मैं जीता हूं नहीं तो कैलाश को हटा देता हूं। और उन्होंने अपने बल से कैलाश को हिलाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी, कैलाश हिलने लगा, वो अपने कैलाश को अपने सर पर उठाना चाहता था। जब कैलाश हिलने लगा तो माता पार्वती ने कहा ये क्या हो रहा है भाई, इतना सारा कैलाश हिल रहा है, इसका बात क्या है। तो शिवजी ने ध्यान से देखा तो रावण नाम का पुरुष के पास वह तपस्या में है और अपने कैलाश को हिला रहा है। तब रावण ने रावण के एक कहने पर के रावण ऐसा क्यों कर रहा है, कैलाश चले तो माता पार्वती आगे हिल रहे हैं, हम गिर जाएंगे कुछ देखो तो। तो शिवजी ने जोर के साथ अपना पांव दबाया और रावण उसके नीचे दब गया। जब दब गया तो रावण ने कहा शिवजी मैं मरूंगा लेकिन एक बात याद रखो, मैं जीऊंगा तो श्रेष्ठ सामर्थ्यवान होकर, लेकिन मैं यह काम नहीं छोड़ूंगा। ऐसा उन्होंने जब कहा कि तू क्या चाहता है, भैया पार्वती शंकरी देवी ने कहा है कि तुम्हारे तांडव करने से एक श्रेष्ठ दिव्य शक्ति उत्पन्न होगी और वो दिव्य शक्ति मुझे कभी भी मार्गदर्शन देगी, मैं कभी असफल नहीं होऊंगा। तब शिवजी के इस कहने पर शिवजी ने देखा कि ये तो छोड़ने वाला नहीं है और शिवजी ने तांडव नृत्य आरम्भ कर दिया। उस तांडव की ताल पर आपको अगर पता है तो शिवजी का तांडव स्तोत्र है, शिव तांडव स्तोत्र, और शिवजी के तांडव स्तोत्र में शिव जब रावण ने तांडव स्तोत्र का आरम्भ किया, आज भी वो तांडव स्तोत्र देवता भी उच्चारण करते हैं जिससे शिव प्रसन्न होते हैं, ऐसा कहा गया। रावण अपने जीवन में कैसा भी था लेकिन तांडव स्तोत्र के बोलने के बाद शिवजी जब नृत्य करने लगे तो माता पार्वती उनके साथ योग करने लगी, माता पार्वती भी उनके साथ नृत्य करने लगी। तो एक एक बताया कि हमारे जीवन में क्या करना है। और शिवजी प्रसन्न होकर जब करने लगे तो 64 योगी ना जैसे ही बाहर आए तो शिवजी के कोई चरणों में जाकर रावण ने नमस्कार किया और कहा प्रभु आप बताओ मुझे आगे क्या करना है। तो तुम्हें उन्होंने कहा तेरे पितामह ने जैसा कहा है पुरुष के विषय ये 64 योगिनियां तेरे साथ रहेगी, तेरे जीवन में ऐसा मार्गदर्शन करेगी कि तेरे को कभी हारना ही नहीं पड़ेगा, तू जीवन में हारेगा नहीं, तो जब तक इन सब इनकी आराधना करेगा ये हर तरह का मार्गदर्शन करने लगी। पहले उसने कहा कि मैं सामर्थ्यवान जीने के लिए क्या करना है, तो जोसेफ शिवजी ने कहा इस संसार में सामर्थ्यवान एक ही है, लंका का लंकाधीश कुबेर है जो तेरे भाई का पुत्र है और उसने सोने की लंका बनाई है, वहां है और उस सोने की लंका में कुबेर रहता है। तो रावण ने कहा मुझे क्या करना है, अगर तू कुबेर को जीत सकता है तो लंका को जीत सकेगा, तो डायरेक्ट उसको चाहिए था कि मैं अच्छे से घर में अच्छा घर बांधने के लिए तो टाइम लग जाएगा, तो इसे क्या है कुबेर को ही हरा दो। गया कुबेर को युद्ध में हरा दिया, कुबेर की पत्नी को उठा के लाया और कुबेर को बोला तू यहाँ से नहीं जाएगा, ये लंका से मेरी जीत गया, और स्वर्ण की लंका को कुबेर के पास ले गया वो राज्य करने लगा। उसके कहते हैं कि जैसा ही योगिनियों को बात किया, योगिनियों को कहा कि अब ये बता कि कल के दिन मैं किससे शादी करूं, तो उन्होंने कहा नाग कन्या है मंदोदरी
उसके साथ तो और शादी करता है तो तेरे जीवन में किसी प्रकार की बीमारी नहीं आएगी, क्योंकि वह समुद्र में रहती है और उसके पास अमृत तुझे जीवन है। वो अमृत वो आएगी तेरे तुझे, तू बहुत साल जिएगा, तेरे पुत्र भी होंगे तो बहुत साल जिएंगे। कहते हैं कि रावण 100,000 वर्ष जिया और रामचंद्र जी 10,000 वर्ष। इस धर्म में देखो कि कितना अंतर है। और रावण 100,000 वर्ष जीकर भी सामर्थ्यवान किया, कभी किसको किसी के सामने भीख नहीं मांगा, कभी किसी के सामने कुछ मांगने की स्थिति नहीं आई, और चार लोगों को देने के क्या करते रहे। तो जैसे शिवजी बोलते हैं मंदोदरी के साथ शादी हुई तो उसने अच्छे पुत्र की कामना की, कहा कि मेरा जो पुत्र होगा वो देवताओं को हराने वाला पुत्र कहना जाए। और उनका पहला पुत्र हुआ मेघना, तो मेघों की गर्जना के साथ हुआ, और वो इंद्र को जीतने वाला कहने के कारण उसको इंद्रजीत कहा गया। और वो इंद्रजीत पुत्र हुआ, उसी तरह उसके भाई कुंभकर्ण, कुंभकर्ण को तपस्या के लिए भेज दिया और कुंभकर्ण को कहा कि तू ऐसी साधना कर जिसे तुझे संसार में श्रेष्ठ हो, इंद्र तो पुत्र तो इंद्रजीत कहलाया गया, अब तू इंद्र आसन को ही मांग ले, इंद्र के आसन को मांग ले, और तो इंद्र को कह दे कि तेरे तेरा आसन तुझे प्रदान करे। जब कुंभकर्ण साधना करने बैठा तो इंद्र पहले ही हार गया था। इंद्र ने जाकर भगवान विष्णु के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, प्रभु ये क्या कर रहे हैं, रावण तो हमारे को पूरी तरीके से हरा देगा, क्या करना है। तो ब्रह्मा जी ने सरस्वती देवी की तरफ देखा और कुंभकर्ण क्या चाहता है, उसने कहा इंद्र आसन चाहता है। सरस्वती तू जाकर उसकी जीभ के ऊपर बैठ जा। सरस्वती माता ने कहा क्या करना है, जीभ के ऊपर बैठ जा और वो जो मांगता है उसको जरा पलटा दे। कुंभकर्ण अपनी तपस्या करते रहा और उसने कहा ब्रह्मा जी के साथ प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी और कहा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो वह जब इंद्रासन कहने वाला था लेकिन सरस्वती माता जैसे जीव पर जाकर बैठी, इंद्रासन कहता हूँ जैसे निद्रासन था, और कुंभकर्ण कभी भी सोता था जीवन में, इंद्र के जाए ना कहना एक ही बात हुआ, निद्रासन में प्रातः कुंभकर्ण सोता ही रहता है, ऐसे सबको बताए। तो उन्होंने इस प्रकार 64 योगियों को उतना विशाल कहा था कि उसके सामने कोई टिकने वाला नहीं। आज भी कहते हैं कि जब रावण पूर्ण तरीके से जीता, कहा रावण को श्री रामचंद्र जी ने जब मार दिया, ये मार देने के पीछे भी एक कहानी है। जब लंकिनी की वो द्वारपाल थी उसने उसको बहुत ही सपने पड़ते थे, तो जटा उसका नाम था, उसको सपने पड़ते थे और उसने रावण को कह दिया था कि तू शांकरी देवी की तरफ लक्षण नहीं दे रहा है, तुझे मार्गदर्शन खो रहा है, तू मार्गदर्शन अगर खो जाएगा, शांकरी की पूजा नहीं करेगा तो उसे शिव की तुझे मार्गदर्शन जाएगा तो तू हार जाएगा। उसने सपने में देखा कि एक वानर आया है और जब वानर प्रवेश करेगा वो लंका को दग्ध कर देगा। यह बात करने वाले रावण ने कहा बहुत 1,00,000 वर्ष जिया, रोज मेरे सारे सैनिक आदि मेरे जितने भी है वो सोने की थाली में खाते हैं और थाली खा के रखते हैं समुद्र में फेंक देते हैं, सोने की थाली को रोज खाते, ऐसा ऐश्वर्य था उसके पास, ऐसे द्रोण थी, ऐसे ऐसा जीवन था। यह वही रावण जो अपना जीवन इस तरह जीने वाला, शांत के साथ जीने वाला, उसने कहा कि बहुत जी लिया अब मरना चाहता हूँ, उसके जीवन में इच्छा हुई कि मैं मरना चाहता हूँ। तो उस कुबेर का उनको श्राप था कि रावण तूने मेरे पत्नी को मेरे राज्य को दिया है, जिस दिन तू किसी भी सती या अच्छी स्त्री को बिना उसके मर्जी के खिलाफ अगर उसको किसी भी तरह का अगर दुख देता है तो तेरा मृत्यु इसके लिए मृत्यु निश्चित है। और उसको उतना ब्रह्म ज्ञान रावण अपने मृत्यु को चाहने वाला, उसने सीता को उठा के लाया जो सती थी, लेकिन सीता को उठा के लाते समय भी उसने कहा कि सीता तो साधवी है, उसे उठा के कैसे लाए। रावण चाहता तो उन्हें नव ग्रहों को भी उसने एक दिन ब्रह्मा जी ने आकर कहा रावण तेरे कुंडली में शनि अच्छा नहीं है, शनि इस समय में अगर इस तरह आ जाएगा, इस जगह आ जाएगा तो अष्टम से आएगा तो मर जाएगा, तुझे गुरु का यह दोष है, ये यहाँ जाएगा तो तेरा मर जाएगा। तो उसने कहा इसके लिए क्या करना है, इसके लिए क्या करना है। तो 64 योगिनी ने कहा कि हे रावण तू ग्रहों को तेरे अनुकूल स्थिति में बिठा देना, जहाँ जहाँ बिठाना है। तो उसने शनि महाराज को उठा के लिए अपने अनुकूल सप्तम स्थान में रख दिया, वो गुरु को लेकर पश्चिम स्थान में रख दिया और कहा तुम मेरे पास आ पड़े हो, जब तक मैं नहीं कहूंगा यहाँ से हिलना नहीं, सब ग्रह मेरे अनुकूल हो जाए। सभी को ऐसा कर दिया, उल्टा कर दिया, और 64 योगिनी ने कहा अब तुझे कोई बिगाड़ नहीं सकता। यह बात जब पता चली तो स्वयं देव भगवान भी यह आश्चर्य करके रह गए कि इसके साथ सारे ग्रह अनुकूल है, सारे ग्रह इसको कोई बिगाड़ नहीं सकते। तब आपको पता है नारद महर्षि बैठे थे और नारद महर्षि ने एक बार किसी के कहने पर कहा कि कुछ ना कुछ ये रावण सुनने वाला नहीं है, ऐसा नहीं सुना तो रावण को कोई हरा नहीं सकता, उसके ग्रह सारे अनुकूल है, किस तरह करना चाहिए। तब नारद महर्षि गए और कहा कि रावण तू तो महान शक्तिशाली है लेकिन मेरे को यार एक बात समझ में नहीं आया, क्या बोले तू इतना महान
शनि और उसको सबको उल्टा करके उसके शनि की दृष्टि विजय नहीं हो ऐसा रखा है, उसको उल्टा करके सुधार दिया है। वो शनि कहता है कि अगर रावण में ताकत है तो मेरी दृष्टि उसके ऊपर पड़ने के फिर देखता हूँ, ऐसा कहा। शनि ने ऐसा कहा, चलो आज ही लाता हूँ, मुझे शनि को उल्टा कर दिया। जैसे शनि दृष्टि पड़ गई, सीता को उठा लिया है और रामचंद्र जी के साथ युद्ध हुआ और उत्पन्न किया।